ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, आलोक मौर्या और ज्योति मौर्या उत्तर प्रदेश में, ये जो पत्नी जो पति पत्नी का जो विवाद चल रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, इस मामले में देखने में आ रहा है कि अधिकतर जो लोग हैं वो ज्योति मौर्या को दोषी ठहरा रहे हैं, ज्योति मौर्या को बेवफा ठहरा रहे हैं और ज्योति मौर्या पर आरोप लगा रहे हैं कि उसके फोर्थ क्लास के कर्मचारी ने लोगों से कर्जा लेकर उसे पढ़ाया, SDM बनाया और जब अब आकर उससे आलोक मौर्या से ज्योति मौर्या ने बेवफाई कर दी। लेकिन इस मामले में जो असली खलनायक है, इस मामले में जो असली रोल जिस व्यक्ति ने किया है, मनीष दुबे जो ज्योति मौर्या का प्रेमी बताया जा रहा है, तो सबसे बड़ा खलनायक इस मामले में मनीष दुबे दिखाई दे रहा है। मनीष दुबे, यदि ज्योति मौर्या ने आलोक मौर्या से बेवफाई की है तो मनीष दुबे ने क्या अपनी पत्नी से बेवफाई नहीं की है? क्या मनीष दुबे को इस बात का एहसास नहीं था? यदि ज्योति मौर्या शादीशुदा है तो वह खुद भी शादीशुदा है और जिस तरह के ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस मामले में आलोक मौर्या का ये दावा है कि मनीष दुबे की जो पत्नी है उसने भी आरोप लगाया ज्योति मौर्या पर कि वो उसका घर उजाड़ने में लगी हुई है। लेकिन हो सकता किसी दबाव में मनीष दुबे की पत्नी कोर्ट ना गई हो सकता किसी दबाव में मनीष दुबे की पत्नी पुलिस ना गई हो, लेकिन जो ये इस समय प्रकरण जोर पकड़ा है तो निश्चित रूप से मनीष दुबे की जो पत्नी है वो भी कहीं ना कहीं जो है अवसाद में होगी, कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना वो भी झेल रही होगी। तो इस मामले में, हालांकि मनीष दुबे के मामले में शिकायत दर्ज करा दी है आलोक मौर्या ने और ये मामला होमगार्ड मुख्यालय तक पहुंच चुका है और DGP ने जो प्रयागराज के DIG है उन्हें जांच सौंपी है और इस मामले में मनीष दुबे की नौकरी जाना तय माना जा रहा है। इसमें ज्योति मौर्या की भी नौकरी जाना तय माना जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योति मौर्या ने भी आलोक मौर्या पर दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। ज्योति मौर्या ने बोला है कि आलोक मौर्या जो है उनसे फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहा था, एक फ्लैट मांग रहा था, 50 लाख रुपए मांग रहा था। लेकिन ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि यदि ज्योति मौर्या का कहीं अफेयर ना चल रहा होता तो एक बार माना जा सकता था कि दहेज उत्पीड़न का मामला हो सकता है। लेकिन जिस तरह से TV चैनलों के पर वहाँ के गाँव के लोगों ने जो बयानबाजी की है और उस परिवार की सराहना कर रहे हैं कि पढ़ा लिखा परिवार है और इस परिवार ने ज्योति मौर्या को किन परिस्थितियों में पढ़ाया, SDM बनाया, तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि ज्योति मौर्या ने दहेज उत्पीड़न का ही आरोप नहीं लगाया है आलोक मौर्या पर, उसके जो व्हाट्सएप चैटिंग हुई है मनीष दुबे से उसे हैक करने का भी आरोप लगाया है और ज्योति मौर्या का ये आरोप है आलोक मौर्या पर कि आलोक मौर्या उस चैटिंग के दबाव में ब्लैकमेल कर रहे थे उसे और 50 लाख रुपए फ्लैट की मांग कर रहे थे। तो ये जो इस समय कहानी लग रही है ज्योति मौर्या की, ये तो इसलिए गड़ी हुई लग रही है क्योंकि आलोक मौर्या ने गंभीर आरोप जो है ज्योति मौर्या पर लगा दिए हैं और आलोक मौर्या का ये भी दावा है कि उसने मनीष दुबे को और ज्योति मौर्या को आपत्तिजनक स्थिति में भी देख लिया था। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ज्योति मौर्या पर यदि किसी के साथ अफेयर है या शारीरिक संबंध भी है तो उसमें ज्योति मौर्या का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया है कि वयस्क पुरुष और महिला यदि किसी से शारीरिक संबंध होते भी है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। यहाँ तक कि यदि पत्नी पत्नी में किसी के एक दूसरे के या कहीं पर शारीरिक संबंध होते हैं तो पति या पत्नी तलाक तो ले सकते हैं लेकिन वो आपराधिक मामला दर्ज नहीं होगा। तो ऐसे में ज्योति मौर्या का यदि मनीष दुबे से अफेयर चल रहा था या मनीष दुबे से शारीरिक संबंध थे, उस मामले में तो ज्योति मौर्या का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन आलोक मौर्या ने जो डायरी सौंपी है पुलिस प्रशासन को और जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है उस डायरी को जो है दर्शाते हुए, उस डायरी में आलोक मौर्या का दावा ये है कि उसकी पत्नी जो है कोर्ट वर्ड में जो है वो हिसाब किताब रखती थी और प्रति माह रिश्वत के कम से कम 6 लाख रुपए उसकी पत्नी कमाती थी। तो ये जो भ्रष्टाचार का मामला आया है,
इस मामले में ज्योति मौर्या पर जो है शिकंजा कसता जा रहा है, ये ज्योति मौर्या की नौकरी भी ज़्यादा तय माना जा रहा है। और इस मामले में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के संज्ञान लिया है, तो ज्योति मौर्या की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इस मामले में जो आलोक मौर्या ने मामला दर्ज कराया है, ज्योति मौर्या के बयान दर्ज हो चुके हैं, आलोक मौर्या के भी बयान दर्ज होने हैं। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो समाज के ठेकेदार हैं, जो समाज के इस तरह की महिलाओं पर या ज्योति मौर्या पर जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस तरह के मामले जो भारतीय हमारी संस्कृति रही है, जो हमारे संस्कार रहे हैं, उनको देखते हुए ज्योति मौर्या पर बड़े आरोप लग रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया कि वयस्क पुरुष और महिला दोनों किसी से भी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का विरोध इस तरह के लोगों ने क्यों नहीं किया? इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि आज की तारीख में भारत में जो हमारे संस्कार थे, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारे रीति रिवाज थे, उस पर कुठाराघात करते हुए पश्चिमी सभ्यता पूरी तरह हावी हो चुकी है। पश्चिमी सभ्यता के रीति रिवाज और कानून पूरी तरह हावी होते जा रहे हैं, चाहे लीगल रिलेशन हो या समाज में वाइफ स्वीपिंग के मामले भी जो है सामने आते हैं। और लेकिन इस तरह के मामले में ज्योति मौर्या का जो मामला इसमें उभर कर आया है, इस मामले में एक साइड इफेक्ट भी हुआ है। बिहार में बक्सर में बिट्टू नाम का एक युवक अपनी पत्नी को प्रयागराज में पीसीएस की कोचिंग करा रहा था। उसने तत्काल रूप से ज्योति मौर्या के इस प्रकरण के बाद में अपनी पत्नी को वापस बुला लिया और उसकी पत्नी ने काफ़ी समझाया कि हर महिला ज्योति मौर्या नहीं होती है, लेकिन वो नहीं माना। हाँ, बाद में उसकी पत्नी पुलिस में भी जाती है, मामला दर्ज कराती है और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी बिट्टू को समझाते हैं, लेकिन बिट्टू ने इस अपनी पत्नी को कोचिंग कराने से साफ इनकार कर दिया। और सोशल मीडिया पर तो दावा ये किया जा रहा है कि प्रयागराज में जिन युवाओं ने अपनी पत्नी को पीसीएस की कोचिंग कराने के लिए भेजा हुआ था उन युवाओं में 135 पत्नियों को वापस बुला लिया गया। हालांकि इसका कोई जो है सत्यता जो है वो प्रमाणित नहीं हो रही है, और जो वहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं प्रयागराज में उनमें से भी काफ़ी विद्यार्थियों ने इस मामले को पूरी तरह से नकारा है। लेकिन ये जो ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या का जो प्रकरण चला है, जिसके साइड इफेक्ट हुए हैं समाज में, या जिस तरह के जो महिलाएं जो अपने कोचिंग कर रही थी पीसीएस के लिए, या और काफ़ी युवक जो है वो अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं, काफ़ी अधिकारी भी बनाते हैं, और कैसी काफ़ी महिलाएं भी हैं जो अपने पति को आगे बढ़ाने के लिए अपने उनकी मदद करती है। तो इस जो ज्योति और आलोक मौर्या जो प्रकरण हुआ है, इससे ये तो समाज पर हुआ है कि साइड इफेक्ट होने शुरू हो गए हैं। अब देखना ये है कि ज्योति मौर्या के जो दावे हैं, आलोक मौर्या के जो दावे हैं, उसमें किसके दावे जो है वो सही साबित होते हैं। आलोक मौर्या के बाद में ज्योति मौर्या और मनीष दुबे जो है उनकी नौकरी का क्या होता है? लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर